नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC24 देख रहे हैं। बीजेपी के द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून को आज वापस ले लिया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सूचना देते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया। इसके बाद विपक्ष में खुशी का माहौल है। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के सभी नेता, सुनिए। जुल्म, अत्याचार और क्रूरता की हद पार करने वाली ये सरकार, हजारों शहादत, आतंकी तक कहा गया, उग्रवादी तक कहा गया, हर किसानों को एक साल तक हिटलर मुसोलिनी जार से भी ज्यादा क्रूर मजाक किए गए। क्या क्या यातनाएं नहीं सही? गुरु नानक देव जी के इस जयंती पर जो आज क्रूर शासक ने कृषि कानून वापस लिए, या उस शहादत की जीत है, या उस संकल्प की जीत है, या उस उम्मीद की जीत है, या उस सपनों की जीत है, वह या उस मां बहनों की जीत है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में कभी 84 लोगों ने फांसी पर लटके थे, चार चार बच्चे हमने जुल्म के खिलाफ चिनार में चुना दिए गए थे। शायद मोदी जी भूल गए थे पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास को। डर और खौफ ने आज इन्हें मजबूर किया है। जीत का डर, हारने का खौफ, मुंह में राम बगल में छोरी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो वोट के लिए हिसाब से जीता हो, चलता हो, वोट के हिसाब से काम करता हो, बंगाल में कुछ, असम में कुछ, यूपी में कुछ, यूपी के पूर्वांचल में कुछ, यूपी के उत्तर पश्चिम में कुछ। देखिए, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर यह फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए कि अहंकार हट धर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा, ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्यवाही में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है, पूरे देश को सलाम। गर तुम हिटलर के नाती हो, हम भी बापू के पोते हैं। किसानों ने ये हिटलरों को बता दिया। हिटलरों को पता चल गया कि ये देश गांधी का देश है, आंदोलन जीवियों का देश है, तानाशाहों का देश नहीं है, दलालों का देश नहीं है, पूंजीपतियों के गुलामों का देश नहीं है। ये किसानों ने बता दिया। यही जमहूरियत है, यही लोकतंत्र है। पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, और चौड़े सीने वाले को लग रहा था कि बड़ी बुरी हार होने वाली है, मतदाता बहुत दौड़ाने वाले हैं, घुटने टेक के खड़े हो गए और कहा, मैं लोकतंत्र के सामने हार मानता हूं। तो सुना आपने, विपक्ष के सभी नेता में खुशी का माहौल है। सभी नेता कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, नरेंद्र मोदी जी की जय, यानी धन्यवाद व्यतीत कर रहे हैं। सभी नेता हैं, विपक्ष के सभी नेता हैं, और सभी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा काम किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC24।